नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। आज हम बात करेंगे उन महान पुरुष सदगुरु रविदास जी के बारे में। सदगुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के महान पुरुषों में से एक थे, जिन्होंने अपने अत्याधिक वचनों से पूरे संसार में एकता और भाईचारा पर जोर डाला था। आइए आपको दिखाते हैं आगे की रविदास जी की पूरी कहानी। गुरु रविदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1377 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ सुदी पंदरास, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता रघु तथा माता का नाम गुरविनिया था। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था, और अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहिब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरे की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्रायः मूल लिए बिना जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे।